Hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं RJ पूरब चैनल से एक अनदर कार प्रैंक वीडियो। चाचा चपक गए कार प्रैंक एपिसोड 20। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट मैं उससे पहले आप लोगों के लिए एक धमाका लेकर आई हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमारी वीडियोज पर रिएक्ट कीजिए, हमारी वीडियोज पर रिएक्ट कीजिए। ठीक है, तो मैंने एक आइडिया निकाला है। ओके, मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल पर आप लोगों के द्वारा दी गई रील्स जो आपने खुद बनाई हो, ओरिजिनल आपकी होनी चाहिए, एक मिनट से कम की, ठीक है, 30 सेकंड मैक्स। ओके, सो ऐसी कोई वीडियो, कॉमेडी वीडियो बनाकर भेजिए एंड मैं उन सब का कंपाइलेशन करके उनका कंपाइलेशन करके उसके बाद उस पर रिएक्ट करूँगी। कैसा लगा आइडिया? वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे अपनी एक कोई रील भेज सकते हैं। ओके, चलो यार ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं भाई साहब, ये हटाओ अपना, फट फट डालूंगा हाथ। अरे 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 चाचा, ए ए ए ए ए नाटी बाय। चले? हाँ सर, चलिए। नहीं पेशाब वेशाब कुछ करना हो कर लियो। नहीं नहीं, बस यही उतरना है ट्रांसपोर्ट नगर में। अच्छा, नहीं हमने कहा फिर बाद में दिक्कत होती, फिर हमको गाड़ी रोकने में ना, आदमी कहता पेशाब आ रही है, आ रहा वो आ रहा। नहीं नहीं, पेशाब वेशाब क्या, ये पहन लीजिए सीट बेल्ट। अच्छा उल्टा है ये, ऐसे थोड़ी पहनी जाती है, ऐसे तो फंस जाओगे आप, छुड़ाना पड़ेगा। हाँ, इसमें लगाओ इसे कच्चे से ये। अरे बहुत टेंशन में चल रहे हैं आजकल। काहे भैया टेंशन ना किया करो बड़े भाई। क्या नाम रहता है अपना? हमारा भाई साहब है शिवकरण सिंह चौहान। शिवकरण सिंह चौहान जी? सर शिवकरण सिंह चौहान जी, हमारी जगह अगर आप होते तो आप भी बहुत टेंशन में होते। नहीं टेंशन भाई साहब बहुत बात करती है, माहौल खराब करती वही है, वही हो रहा हमारे साथ, वही हो रहा। टेंशन ना करके उस चीज को सही पोजीशन में लाइए तो डिक्लेयर मामला हो जाएगा। ये बात आपने सही कही। थोड़ा खुले दिमाग से जरा सोचिए क्या ठीक है क्या नहीं। हम वही सोच रहे थे किससे बात करें। हाँ बताइए, हम आप जो सहूलियत वाली बात होगी बिल्कुल नहीं। सहूलियत क्या, असल में हमारे चाचा भाई सब खत्म हो गए। अच्छा 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 अच्छा, परसों। तब उनके साथ दिक्कत ये थी कि सब कुछ था जी, घर घोड़ा गाड़ी खाना पीना सब, कोई समस्या वाली बात नहीं। उनको एक गंदी आदत थी, मूतने जाना है तो सामने ट्रांसफार्मर पर मूतना है। अच्छा अच्छा, अब हमारे जैसा आदमी आप तो बर्दाश्त करोगे नहीं। अगर अच्छे घर के हो, लड़के भी अगर अच्छे घर के हैं तो मना करेंगे बिल्कुल। चाचा वहां ना मूतो, बचपन से आदत पड़ी है। अच्छा। ये मूतना है तो वही मूतना। अब इसके लिए आए दिन झगड़ा, ये वो दुनिया भर की हुआ करती थी चीजें। तो उसके बाद अब मामला ये हुआ कि अब हम लोगों ने कई बार बोला कि चाचा दग जाओगे किसी दिन, चपक जाओगे, कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी बात सही है, कल को आ जाए करंट, मान लो यहाँ बिल्कुल अर्थिंग मिल सकती है, लेकिन अर्थिंग कब मिलती है? फिर हमने एक से पूछा, एक हमारे इटावा में रहते हैं, एक हमारे हैं, मतलब हमारे घरेलू टर्म्स हैं उनके जी। हम लोग उनको वो कहते हैं बाबा नोचू, तो उनसे अगर आप कुछ बताइए तो थोड़ा पहले बता देते हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको ये चीज बताई हमने, हमने कहा ऐसा ऐसा है, तो बोले इनका सर्किट ना कम्प्लीट होए तो ये नहीं दगेंगे। मतलब उनको एक शुरू बीमारी थी, मतलब उनका जो होता है ना, कईयों का पेशाब रुक रुक के आता है। जी हाँ जी हाँ, है ना। तो उनका रुक रुक के आता था। अच्छा, उनको अच्छा, पता अच्छा। चल गया बाबा नोचू को, समझ रहे हो? अच्छा। इनको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम, उनको मालूम है। हाँ, बोले कि ये जो है रुक रुक के आ रहा है तो ये सर्किट कम्प्लीट नहीं होगा जब तक करंट का, तो ये बचे रहेंगे। अब ये बात हमने उनको बता दी, चाचा को अपने, तो चाचा ने जाके इसकी दवा करा ली। अच्छा। अब जब पहला डोज जिस दिन लिया, पेशाब करने गए, उसके बाद बस वो जो रुक रुक के आ रहा था वो एक बार में आ गया। अच्छा अच्छा, सर्किट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया जी हाँ। चाचा दग गए, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर अरे राम राम राम।
और क्या अर्थिंग अर्थिंग कहीं से आ रही थी, भाई ट्रांसफार्मर में तो करंट हो गई, अब वो जब तक रुक रुक के चल रहा था तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब जहाँ वो एक बार में हुआ तो उसने पकड़ लिया। अब इनको 500 बार समझाते रहे कि आपका खुद का कंडेंसर फूक जाएगा, ये समझ जाओ समझ जाओ, हंसी मजाक में जो भी होता बोलते रहे, लेकिन नहीं, तफरीम लेते रहे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, चले गए। अब किसी को बताओ, आदमी के रिश्तेदारों को फोन आ रहा, कैसे हो गया, तो क्या बताएं, ये कहानी बताएं क्या? ये तो बड़ी अपसेट वाली बात हो गई भाई साहब, सुनने में नहीं अच्छा लगता ना। हाँ ट्रांसफार्मर, हाँ सही बात है। अब आप खुद सोचो, चलो कोई और बात हो जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, कुछ और हो जाए, समझ में आता है। सही बात। अब ये ऐसी जलालत भरी मौत है कि किसी को बताए कि पेशाब करने ट्रांसफार्मर वगैरह मौत खड़ी बुला रही थी। सही बात है, ये तो। और कनेक्शन देख रहे कहाँ से गया, बल्कि अभी सब इनका तिराई का वो सब कराना है, तो उसमें अब चार लोग आएंगे, पूछेंगे तो क्या बताएंगे। आप ही की उम्र के थे सेम, ये उम्र क्या होती है आपकी, क्या उम्र है? हमारी उम्र है 48 साल है। 48 कुछ नहीं होती भाई साहब, ऐसी चीज के लिए तो कुछ नहीं होती 48 साल। हाँ हाँ, वो तो सही बात है ना। तो अब फिर भाई हमने अपना बाबा नूचू जो है उनसे पूछा, हमने क्या किया जाए, तो हमसे बोले ये ऐसी जो मौत होती है ना, इसमें आत्मा को शांति नहीं मिलती। हाँ शांति नहीं मिलती, ये तो बात सही बात है, आत्मा भटकती रहती है आत्माएं इधर से उधर, अगर समय से पहले मौत हो जाती है तो आत्मा तृप्ति नहीं होती। हाँ तो उन्होंने बोला कि ऐसे में इनको शांत कराना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने फिर हमसे बोला कि उन्हीं की उम्र का कोई एक आदमी हो जो करीब 1-1.5 दर्जन केला लेके उसी ट्रांसफार्मर पे, तो इनको जब हम बताएंगे फोन पे तो ये वहां से अपना जो भी मंत्र उच्चारण करना है वो अपना करेंगे। तो कह रहा है कि 1 दर्जन केला लेके उसी ट्रांसफार्मर पे उसको खड़ा होना पड़ेगा, तो उसके बाद वो केले वहां रख के वही ट्रांसफार्मर पे जाके उसको पेशाब करना है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जैसे इनके साथ कांड हो गया, उसके साथ कांड ना हो, इसलिए उसको वापस आना है, पेशाब करके तब वो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हमने बोला तो आपके मंत्र से उससे क्या होगा, तो बोले हम उनकी आत्मा प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे जो वहाँ पे पेशाब उस टाइम कर रहा है। और आत्मा क्या है, ऐसी जो आत्मा होती है भूखी होती है, तो उसके लिए केला रखा है। तो कह रहे थे कि 12 जब लेके जाओगे तो कह रहा थोड़ी देर बाद देखना 11 हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। आपका नाम क्या था? हमारा नाम शिवकरण सिंह चौहान। शिवकरण सिंह चौहान जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ यहीं रहते हैं, यहीं मकान बना है हमारा। अच्छा, आपका अपना मकान? यहीं उतार दीजिए भाई साहब, ट्रांसपोर्ट नगर। तो आप जैसे आपसे बात हो गई तो आप ही को तो हम ले चल रहे हैं उनकी जगह, जैसे मतलब ये जो आत्मा शांति का काम है। अरे नहीं, इसमें ले जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। कौन लोग? ट्रांसपोर्टर हैं। चेन खुली आपकी, ये साइन रहता देखा इसी से, तो उसमें बस आपको ले चल रहे भाई, केला आपको पकड़ के। अरे नहीं नहीं, ये हमको आप और किसी दिन हम आपके साथ में कर देंगे, मगर आप तब तक वो तड़पते रहेंगे। देखिए हमें, हम तो आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो तब तक तड़पेंगे। नहीं नहीं, वो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं, हम वहाँ पे रहेंगे सामने से, बस ये उन्होंने बोला था कि जो केला आप लोगे वो जिसको खड़ा करना है केले का पैसा वो देगा बस, तो आपको खरीदना पड़ेगा, बाद में हम चाहे आपको दे देंगे। नहीं आप ट्रांसफार्मर ट्रांसपोर्ट नगर देख ले, भैया को बता दे, चले चलते हैं आपके साथ में, कोई ऐसी बात थोड़ा है। नहीं फिर आप भाग जाएंगे भाई साहब। ना ना, भगे भगने वाली काहे बात नहीं, क्योंकि अरे नहीं, तीन लोग भाग गए ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ट्रांसफार्मर में असल में क्या, करंट बहुत तेज है। नहीं होना चाहिए, मैं इससे कोई मतलब थोड़ा है, बस फिर यही हिम्मत चाहिए। अरे नहीं, यही हिम्मत वाला आदमी तो ढूंढ रहे थे। सुन लो मेरी बात, मेरी आप बात नहीं समझ रहे, यही हिम्मत वाला। सुन लो पहली बात, आप तो अपनी बात कह रहे हो ना, आप बात नहीं समझ रहे। समझो बात मेरी, चौहान जी समझो मेरी बात ना, और कोई बात नहीं। चौहान जी आप बात नहीं समझे। नहीं नहीं, सुन हम समझ गए आपकी बात, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, चलने के लिए हम जानूम चल लेंगे यार तुम्हारे साथ। वो जानूम से कम नहीं है वो भाई साहब, ऐसा है ना, तीसरी मौत है उस ट्रांसफार्मर पे, बस आप उसमें जाके तुरंत हल्के हो जाइए। अरे यार मत डालोगे का यार, हमको हल्के हो जाओ यार, तुम फिर वही बात कर रहे हो बड़े भाई। हम है ना आपके साथ। अरे हम है, हम तुम क्या होता है यार बड़े भाई। भाई साहब रुको यार गाड़ी, तुम भाई साहब किसको बुला रहे हैं आप? अरे वो ट्रांसपोर्टर है। अच्छा हाँ, यहाँ सब ट्रांसपोर्टर सब यहाँ है, सब जान पहचान के आदमी भाई। अच्छा
ये क्या है? ये है सब दवाइयां हैं, एनर्जी, जड़ी बूटी। ये क्या रहता है भाई साहब? पहली बार देखा हमने। देख लो क्या है, पानी है क्या? पानी इसमें तो नहीं है भैया, हम पिला देंगे वहाँ पे आपको। एक साथ कितनी लेते हो? कर लेंगे ना इसको खाने के बाद। अरे करना क्या यार, कोई तोप चलाना है क्या? पेशाब करना खाली है? खाली पेशाब ही तो करना है। मर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? वही तो हमने जमा चाचा भी कहते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसी का तो ध्यान रखो, वही तो कह रहे ये खा लोगे तो आप देख ही नहीं पाओगे। खाने से क्या हुआ, इसके खाने से चाचा की मौत तो इसी ने ले ली। कानपुर नगर छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया? अगर सही सलामत वहाँ से सब कुछ मामला रहा, अगर कुछ छोड़ेंगे बहुत सही। उसके और भाग भी एक आदमी ले जा चुके हैं यहाँ से, इतना आगे बढ़ गया, एक टांग में पैरलिसिस हो गया उसके। आपको हम पहले बताएंगे ना, वो तो बेवकूफ था जो आगे बढ़ गया। अब वो बता रहा है कि हमको पीछे से किसी ने धक्का दिया। अब वो कह रहे हैं कि चाचा तुम्हारे हैं। देखिए कोई बात हम झूठी नहीं बोलना चाहते, सूखी पड़ी हुई है। इनको पहले से हुआ था बता रहे हैं। उनको हम लेके जा रहे थे भाई साहब, को हो गई देर, पीछे पड़े हैं डिक्की में, खत्म इसमें नहीं डिक्की में, पीछे कौन पड़ा है? जिनको आपसे पहले ले गए थे। गया अब भैया इसके आगे ना पूछो उनसे कहानी। डिक्की में डाल के लाया होगा उनका। इसका मतलब भैया नहीं बच पाए। अच्छा आपको फिर ऐसा है ना, किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए, वो काम करवाना चाहिए। ये वही है बाबा नोचू जिनकी हम बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये यही काम करते हैं। अब फिर कोई वहाँ पे अटैक हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये संभालेंगे बाबा, उन्होंने हमसे बोला है कि दोबारा नहीं होगा। ये पहले में भी बोला था कि नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। चारों तरफ से चित करे जाओ से। पूरी खा गए सब? कितने रुपए की रहती है? 1 रुपए की, 10 रुपए की, एक एक बार, हाँ 100 रुपए की। तीन रुपए की एक, 10 रुपए की तीन, 1 रुपए की एक। वही तो हम भी बोल रहे थे 10 रुपए की 10। तो वही तो हम भी बोल रहे थे चौहान साहब, आप कह रहे 10 रुपए की तीन। चलिए कहाँ चल रहा है अब, चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमसे मत बोलिएगा फिर कि अब ये हो क्या हो गया हमारे साथ। कुछ नहीं, बात की बात है, अब सही है। चाचा की आत्मा इनमें प्रवेश कर गई। पहन के रखी। नहीं भाई साहब ये हटाओ अपना, फाट फाट डालूंगा। हाट, अरे 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 चाचा, नाटी बाय। क्या हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थे, मेरी कश्ती ऐसे जगह डूबी जहां पानी कम था। गलत जगह ले गए कश्ती आप। हमको ये लगा कैमरा, ये अच्छा अच्छा, ऐसे जो अनजान लोगों के साथ बढ़ जाता ना भरोसा करके, उसके लिए हम बनाते हैं वीडियो। अच्छा, ये आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे हम, तो करवाइएगा नहीं है ना। टाइट हो गया मामला आपका, टाइट हो गया मामला आपका, 10 गोली खा के। नहीं इतनी जल्दी थोड़ा इन... अच्छा, एक्शन रिएक्शन होता है, एक्शन। अच्छा टाइम, थोड़ा टाइम लगता है सिस्टम। तो अब ये बताइए कि आपके जहन में क्या आया था कि अब क्या होगा, कि कहां लकड़ी ले ली? नहीं लकड़ी वकड़ी वाली कोई बात नहीं, अगर जैसे मौत आपके हाथ में लिखी होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। क्या बात, अगर है, नहीं मौत होगी तो क्या है यार। ये बात बिल्कुल सही आपने कही है। अरे दिलदार आदमी हो भाई,
उनकी हवा टाइट हुई थी, वो विजिबली दिख रहा था। मौत से ही तो खेलते हैं। क्या बात है, हाँ 10 गोली खा के ये मौत से खेलते हैं। या पहले से आपका कोई प्रोग्राम है? ये खेल खेल रहे हो ये? अब मुझे निकलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ थोड़ा इन नशेबाजी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। करेंगे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं छोड़ पाएंगे आप। बिल्कुल तो नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। बोल दीजिए ये सब गलत काम है। हाँ ये सब गलत काम है, मैं भी कोशिश करूंगा भैया। बिल्कुल कोशिश करूंगा भाई साहब छोड़ने की, बिल्कुल जीवन बेहतर बनाने। जीवन बेहतर बनाने के लिए पीछे तो हो ही गए जीवन में, बहुत हमारे मित्र लोग बहुत आगे हो गए और इस वजह से। इतना बोल दीजिए, नशेबाजी कम किया करो। हाँ नशेबाजी कम करो, समझे? हाँ। यहाँ पे ये वीडियो खत्म। ओ माय गॉड गॉड यार, सीरियसली, मतलब चाचा में ना पहले तो देखो उनकी हलक सूख गई, ठीक, उनको लगा कि अब खत्म गया, डिग्गी में लाश पड़ी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अब तो गए काम से, अब तो निकल भी नहीं सकते यहाँ से। लेकिन फिर वो पता नहीं किस चीज़ की गोलियाँ थी वो, क्या मतलब कुछ नशा वशा से, शायद नशे वशे की गोलियाँ होती हैं, लोग आम लोग वैसे करते होंगे, जस्ट लाइक एक वो दंत मंजन टाइप का आता है, एक क्या बोलते हैं उसे, गुलमंजन, हाँ गुलमंजन, मेरी एक रिश्तेदार करती हैं वो गुलमंजन, तब मुझे याद है। तो उसी टाइप का कुछ है, इन्होंने भी ले रखा था 1 रुपए की एक, मतलब 10 रुपए की 10 गोलियां, और वो एकदम से सारी खा गए सारी, और वैसे भी उनके दांतों में तो असर दिख ही रहा था अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो, है ना, चाचा के पूरे दांतों पे पेंटिंग हो रखी थी, है ना। दूसरी बात यार, वाकई में कौन कहाँ तुम्हें कब ले जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसे किसी के साथ मत बैठना। और दूसरी बात, नशा मत किया करो। कितनी जल्दी मतलब एनर्जी आई, सब फोड़ फाड़ दूंगा। तुम आगे वैसे कुछ पार्ट इसका कटा हुआ है, आई थिंक शायद बीच में कुछ और भी हुआ होगा, है ना। सो यहाँ पे तो चलो चाचा हिम्मत करके बैठे रहे, है ना, लेकिन इससे पहले वाली जो वीडियो हम लोग ने देखी थी दद्दा वाली, अरे दद्दा वाली, वो तो कांच वांच तोड़ने पे आ गए थे भाई। सो यार बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।